आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के सीईओ महेश पाटिल साहब, जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा की एसेट्स मैनेज करते हैं और 2005 से लंबी इनिंग खेल रहे हैं बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के साथ में, और पर्सनली वो आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, मल्टी कैप फंड और फोकस इक्विटी का फंड पर्सनली भी मैनेज करते हैं। वैसे तो सारे फंड उन्हीं के अंडर में है। और सर ने MMS किया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई से, और साथ ही मुंबई से बैचलर्स की डिग्री हासिल की आपने इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश सर, आपको, आपकी पूरी टीम और बिरला म्यूचुअल फंड के जो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं उन सबको नए विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर जिस तरह से पिछले पूरे साल आपने काफ़ी बढ़िया वेल्थ बनाई है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, हम उम्मीद करते हैं इस साल उससे भी बेहतर आप वेल्थ बनाकर दें अपने निवेशकों को, यही हमारी शुभकामनाएं सर। ये साल भी अच्छा जाएगा। आई थिंक लास्ट पिछला साल था उसमें काफी कुछ उतार चढ़ाव थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि ये साल में भी जो शुरुआत हुई काफी अच्छी हो रही है। इस साल की भी शुरुआत बड़ी दमदार होती हुई दिखी है। सर एक चीज जो समझना चाहता हूँ, ज्यादातर डर हमेशा, पिछले साल भी चर्चा यही हो रही थी अभी भी, ये कि हमारे यहाँ तो सब ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स का पता नहीं वहां का क्या हाल है। ये पिछले 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि ये साल ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से भी बेहतर साबित हो सकता है? जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो कम हो, ऊंची ब्याज दरें कम हो, बॉन्ड यील्ड्स वगैरह थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, महंगाई कंट्रोल में आ जाए, ऐसे कोई संकेत देख रहे हैं सर आप? हाँ, तो अभी हालांकि एक दो चीज है ग्लोबल इसमें, एक तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए थे, तो वहां पे भी लग रहा है कि एटलीस्ट की इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आ रहा है और नीचे की तरफ जाने की संभावना है। इसके कारण जो इंटरेस्ट रेट का अभी तक पता नहीं चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट कहाँ तक जाके रुक जाएंगे, तो अभी ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी लगभग पीक आउट हो गए हैं और यहाँ से हालांकि इंटरेस्ट रेट जो है फेड के जो पॉलिसी रेट्स है वो शायद इतना जल्दी कट ना हो, लेकिन मार्केट अभी फैक्टरिंग करेगा कि रेट्स अभी नीचे आ जाएंगे। हमने देखा है कि यूएस की जो 10-ईयर बॉन्ड यील्ड थी जो 5% तक गए थे वो अभी 4.5% के आसपास आ गए हैं, और तो इसके कारण आई थिंक एक राहत तो मार्केट को मिल जाएगी कि यहाँ से और रेट्स नहीं बढ़ेंगे। हालांकि हमें देखना है कि यूएस की जो इकोनॉमी है और डेवलप मार्केट्स की जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे जाके स्लोडाउन, कितनी स्लोडाउन हो रही है, बट अभी ऐसा मानना है कि यहाँ से जो लैंडिंग होगी वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हाँ, इसका मतलब है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी लेकिन ज्यादा टाइम की नहीं जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा रहेगा कि मार्केट यूएस ग्लोबल मार्केट में भी जो लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर में बड़ी गिरावट आ सकती है वो शायद इतनी ज्यादा ना हो, और इसके कारण जो रिस्क ऑफ जो सिनारियो जो बन रहा था उसमें थोड़ा मॉडरेशन हो सकता है। तो आई थिंक ये जो लास्ट एक वीक में जो डेवलपमेंट हुई है इन्फ्लेशन के ऊपर और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर, आई थिंक वो मार्केट आउटलुक के लिए, मीडियम टर्म के लिए काफी अच्छी है। बात है तो थोड़ी डेवलपमेंट बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजारों का डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं सर आप, कितनी तेजी की उम्मीद रखी जाए इस साल? तो अगर मार्केट में अगर देखा जाए तो लास्ट 2 साल में मार्केट ज्यादा किधर गया नहीं है, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में, और इस दौरान में कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ी हुई है, लगभग अराउंड 15-16% एनुअलाइज बेसिस पे अर्निंग हो गई है, और मार्केट यहाँ पे ये लेवल पे है वो एक रीजनेबल लेवल पे है कि ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है और फेयर वैल्यूएशन पे है, और हमें लग रहा है कि ये साल में भी, अगले एक साल में भी जो जिस तरह से इंडिया की GDP ग्रोथ होगी और काफी सेक्टर्स में हमें दिख रहा है कि आउटलुक इंप्रूव हो रही है, डोमेस्टिक सेक्टर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, कैपिटल गुड सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, उसके कारण कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी ये साल में हमें दिख रहे हैं कि लगभग 14-15% के आसपास हो सकते हैं। तो आई थिंक अगर मार्केट की अगर रीरेटिंग ना होती है यहाँ से और ज्यादा कुछ अगर नेगेटिव मार्केट में नहीं आता है तो जितनी अर्निंग्स ग्रोथ है उतना रिटर्न्स मार्केट यहाँ से हमें एक साल में देने की संभावना हो सकती है। ठीक बात है सर, चूंकि इस साल इलेक्शंस भी होने हैं, पहले विधानसभा चुनाव के हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव के भी, चूंकि लोकसभा के भी चुनाव है,
इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद किस तरह की स्ट्रेटजी रखे हैं, और आज के माहौल में जब लार्ज कैप्स आप कह रहे हैं कि बड़े अट्रैक्टिव है, तो क्या मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी फंड्स ये ज्यादा बेहतर होंगे एक आम निवेशक के लिहाज से? इलेक्शन का जो है, अभी अभी स्टेट इलेक्शंस हो गए अभी ये महीने में, और नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस है। सो मैंने देखा है कि इलेक्शंस के पहले थोड़ी एक नर्वसनेस रहती है कि इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी नहीं है कि क्या नतीजे आएंगे जाएंगे, बट जिस तरह से हमने देखा है कि पास्ट इलेक्शंस में भी ऐसा कुछ खास ये उभर के नहीं आ रहा है कि मार्केट इलेक्शंस के बाद के नतीजे आएंगे उसके ऊपर कैसे रिया कर सकते हैं, तो हमें ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आई थिंक हालांकि अभी लास्ट एक साल में मार्केट किधर ज्यादा गया नहीं है और ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड नहीं हुए मार्केट में इलेक्शंस के नतीजे के ऊपर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए।